अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज़, जिन स्टोरीज़ का तस्करा आज के प्रोग्राम में होने जा रहा है। मर्दमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तौसी कर दी गई है। 5 दिन मजीद तौसी के बाद आखिरी तारीख 30 अप्रैल कर दी गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक बाज़ अज़ला में ग्रोथ रेट और डेटा की तस्दीक के बाइस तौसी की जा रही है। इदारे शुमारियात का कहना है कि बाज़ बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया है। कराची वस्ती, जनूबी, गरबी, शर्की, मलीर, किमाड़ी और कोरंगी में आबादी में कमी देखी गई, इदारे शुमारियात ने बता दिया। जबकि MQM राबता कमेटी ने अपने इजलास में बड़ा फैसला किया, 7 अराकीन कौमी असम्बली ने पार्टी को इस्तीफे जमा करा दिए हैं। खालिद अबू सिद्दीकी की सदारत में MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मर्दमशुमारी के गैर हतमी नतज पर शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इजलास में MQM पाकिस्तान ने मर्दमशुमारी के नतज तस्लीम ना करने और एहतजाज का हर मुमकिन ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर किया है। साथ साथ कराची PTI के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने भी MQM पाकिस्तान को मर्दमशुमारी की फिक्र है तो हुकूमत छोड़ दें, हमारी मुहिम का हिस्सा बनने की दावत देती है। हमने इस मामले पर जमात इस्लामी से भी बातचीत की है। PTI रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मर्दमशुमारी पर इन जमातों से बात नहीं करेंगे जो इकतदार में बैठी हुई हैं। कराची की 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तें कम होने जा रही हैं। कराची की हर सियासी जमात से बात करेंगे। साथ साथ ये भी बताएं कि 13D तिजोरी हाइट्स के मुकाम पर 36 इंच की सिवरेज की लाइन फटने से रोड बैठ गया। MT वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन, DC ईस्ट तब्रेज, एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट शकील अहमद का फौरी तौर पर नोटिस। जबकि MT वाटर बोर्ड ने रात गए इंतजामिया को हुक्म दिया कि 13D में सिवरेज की 36 इंच की लाइन की मरम्मत की जाए, किसी भी जानी और माली नुकसान से आवाम को बचाया जाए। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि कराची चिड़ियाघर में मधुबाला की सेहत पर भी सवालात उठने लगे हैं। फोर पास की बैनुल अक्वामी वेट डॉक्टर आमिर खलील और उनकी टीम ने चिड़ियाघर का दौरा किया। चिड़ियाघर में हतमी नूरजहां की मौत के बाद वेट डॉक्टर्स ने मधुबाला की सेहत पर खदशात का इजहार भी किया है। मधुबाला और नूरजहां 17 साल से साथ थी, इसीलिए टेस्ट करवाए जा रहे हैं। वेट डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि खून के टेस्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। मधुबाला भी जहनी दबाव का शिकार है। हतनी नूरजहां की हलाकत, एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर कराची जू के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर हो चुकी है, जमा हो चुकी है। ईद उल फितर के दूसरे रोज कराची चिड़ियाघर में 17 साल हतनी नूरजहां की हलाकत। 17 साल हतनी की हलाकत पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डायरेक्टर जू के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त गार्डन थाने में जमा करा दी गई है, जबकि दरख्वास्त एडवोकेट इमरान अजीज की जानिब से जमा कराई गई है। और साथ साथ ईद पर भी शहरी डाकुओं के हाथों लुटते रहे। ईद उल फितर की तातीलात के दौरान डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने अपनी कार्रवाइयां बिला खौफ जारी रखी हैं। शहरी और दुकानदार ईद उल फितर पर भी न सिर्फ अदम तहफ्फुज़ के शिकार रहे बल्कि उन्हें लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ईद उल फितर के पहले रोज कोरंगी नंबर 1.5 के करीब मुसल्ला डाकू मारूफ मिठाई में भी दुकान में भी दाखिल हुए और कैश काउंटर का सफाया भी किया। और ईद उल फितर के पहले रोज PCHS ब्लॉक 6 में भी मारूफ बेकरी के करीब डकैती हुई। साथ साथ मौसम के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के तहत 28 अप्रैल को शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गर्मी की हालिया लहर की अगर बात की जाए तो जुमरात से कमी मुतवक्को है। मंगल को शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची ने भी इस हवाले से बताया। बहरहाल खबर प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लेते हैं और उसमें पहली खबर जो हमने आपसे शेयर की है कि मर्दमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तौसी कर दी गई है। आखिरी तारीख जो मैंने कोट की थी प्रोग्राम के आगाज़ में 30 अप्रैल कर दी गई है। अब इस मामले को एक तरफ रखा जा रहा है और दूसरी तरफ सियासी जमातें एक दूसरे से गठजोड़ करती नजर आ रही हैं या नहीं, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है। क्योंकि MQM की जो राबता कमेटी है उसके इजलास के बाद हमने देखा कि कन्वीनर डॉक्टर खालिद अबू सिद्दीकी को तमाम कौमी असम्बली के जो अराकीन हैं उन्होंने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। और ये बात भी सामने आई है जो कराची के PTI के सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, साबिक MNA भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि MQM को मर्दमशुमारी की फिक्र है तो हुकूमत छोड़ दे। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ये कहा गया, दूसरी तरफ हुकूमत छोड़ने की तैयारियां कर ली गई हैं। क्या गठजोड़ होने जा रहा है जो माजी में गठजोड़ था? दोनों मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। PTI रहनुमा गजाला सैफी हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी तरफ MQM के अबू बकर जो रहनुमा हैं और MNA हैं इस वक्त, उन वो भी ऑन कॉल मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा MQM से आगाज़ करना चाहूँगा। गजाला साहिबा, आपकी इजाज़त से अबू बकर साहब, ये ज़रा जानना चाहूँगा कि ये अचानक फैसला किया गया है, इस्तीफे जमा कराए गए हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, क्या जो 3 मुलाकातें हुई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, तो क्या वो मुलाकातें सूदमंद साबित नहीं हुई? अबू बकर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आइए।
जी, मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो तीन मुलाकातें रही थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वो फायदेमंद साबित नहीं रही क्या? हेलो जी, आपको आवाज आ रही क्लियर? हेलो, गालिबन जो है वो इनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। मैं गजाला साहिबी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। गजाला साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं प्रॉपर? जी मैं सुन रही हूँ जी। मैं ज़रा सवाल जो है वो दोहरा देता हूँ। वो सवाल कुछ एमक्यूएम की तरफ था लेकिन आपकी तरफ खासा मुख्तलिफ होगा कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब एक मशवरा देते हैं कि एमक्यूएम अगर वाकई मर्दमशुमारी की फिक्र रखती है तो उसे हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अब ये एक तरफ जुमला है, स्टेटमेंट कोर्ट हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ एमक्यूएम के जो कौमी असम्बली के अराकीन हैं उन्होंने इस्तीफा जमा करा दिया खालिद महमूद सिद्दीकी को, तो क्या कुछ माजी की तरह गठजोड़ होने जा रहा है? शुक्रिया जी सवाल पूछने का। अहम वाकया है और अहम मामलात हैं और यकीनन ये जो काउंटिंग हुई है और सेंसस है इस पे अक्सर पार्टीज का रद्द अमल भी आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इसके बारे में रिजर्वेशंस हैं और एमक्यूएम को भी हैं। और अब जब एमक्यूएम एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा है जो कि मर्दमशुमारी को सीरियसली नहीं ले रहा, इलेक्शंस को सीरियसली नहीं ले रहा, इलेक्शन के प्रोसेस का एक हिस्सा है मर्दमशुमारी, अगर उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा और कराची जो कि एक हैवीली पॉपुलेटेड एक शहर है जिसकी बहुत ज्यादा आबादी है, अगर उसके अंदर इन मामलों को संजीदगी से नहीं देखा जाएगा तो यकीनन ये जो है वो किसी किस्म की रिफ्ट क्रिएट कर सकता है, जिसके लिए आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने ये ज़रूर कहा है कि अगर आप इस मामले में संजीदा हैं तो फिर आप हुकूमत छोड़िए और जो लोग हुकूमत का हिस्सा हैं और उसके बावजूद अगर ये बात करेंगे तो हम उसकी संजीदगी को नहीं लेंगे। ये इस पैराए में बात हुई है और अगर उन्होंने इस्तीफे जो हैं वो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब को जमा करा दिए हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि खालिद महमूद सिद्दीकी जो हैं वो जाके इस्तीफे दे भी दें, मगर ये एक तरह का ऐलामिया है, एक तरह का इंडिकेशन है कि अगर इसको संजीदगी से हुकूमत ने नहीं लिया फेडरल गवर्नमेंट ने तो फिर इसके लिए किसी हद तक जाया जा सकता है, जिसपे पीटीआई तो हर हद तक जाएगी और एमक्यूएम ने भी एक अंदिया अपना दे दिया है इसमें। ठीक है, आपका इनिशियल कमेंट आ गया। मैं अबू बकर की तरफ बढ़ूंगा। अबू बकर, ज़रा जानना चाहूँगा कि एमक्यूएम ने ये जो फौरी तौर पर फैसला किया है, एमिनेज ने इस्तीफ़ा जमा करा दिया है खालिद महमूद सिद्दीकी को, ये एक तरफ मामला है, दूसरी तरफ पीटीआई के आफ्ताब सिद्दीकी ने भी कहा कि एमक्यूएम अगर मर्दमशुमारी की फिक्र करती है तो उसे हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, तो क्या ये समझा जाए कि एक फिर से गठजोड़ होने जा रहा है माजी की तरह? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो आज से 15 दिन पहले आपने मुझे मौका दिया था इस मौजू पे गुफ्तगू करने का जी। और मैंने उस वक्त भी और असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो सेंसस हो रहा है इस सेंसस के अंदर जो इत्तेहाद हमारे पास और जो आदाद और शुमार आ रही है उससे जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई खराबी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वो दानिश्ता हो या गैर दानिश्तगी में हो। और हमने ये भी कहा था कि इससे हमें तहफ़ुज़ात की है और तजवीज की, और हम इस मामले में क्योंकि ये हमारी रेड लाइन भी है और डेड लाइन भी है तो इस मसले पे एमक्यूएम किसी किस्म का कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और इस आवाज़ को अब मुख्तलिफ सियासी जमातें भी, मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान के की सियासी जमातें कराची में सियासत करती हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस अहम इशू पे वो अपनी आवाज उठाएं, ठीक है, और उसमें बाद सियासी जमातें शामिल हुई है। तो हमारा तो मौकफ ये पहले दिन से जिस दिन से सेंसस का ये मामला शुरू हुआ, ठीक है, और इत्तफाक देखें कि आज से दो हफ्ते कबल जब 9 अप्रैल को जो फिगर दिया गया वो फिगर था 1,32,00,000 और साफ बयान ये आया कि तकरीबन 98% जो है ना ये कंप्लीट हो गया सेंसस, इसका मकसद 2% रह गया, इस पर हमें तजवीज़ हुई और हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि ये तो 2017 से भी नीचे जा रहे हैं। अब आप ये बताएं कि फिर उसमें एक्सटेंशन होता है डेटों के अंदर, तारीख के अंदर उसमें तौसी की जाती है और उसके बाद वो 2% के बजाय सिर्फ तकरीबन 30,00,000
बढ़ गया। ठीक है, 2% जब होना था तो 30 लाख कैसे हो गया? और आदाद शुमार के मुताबिक जो सर्वे कर रहा है ये अदारा वफाकी हुकूमत का, उनकी तरफ से जो मॉनिटरिंग टीम आई उन्होंने भी जाकर ये कहा है कि हाँ तकरीबन 25 से 33 हजार हाई राइज बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको काउंट नहीं किया, जिसमें से 80% का ताल्लुक कराची से है। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये रोज नहीं होता, पिछली हुकूमत में भी हमने सेंसस को इस पे अपने मंजूर में रखा था और उससे फंड भी रखवाया था। अब अगर कराची की आबादी जो नादरा ने दी है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा खालिद महबूब सिद्दीकी को आपके तमाम अराकीन ने कौमी असेंबली के इस्तीफे जमा करा दिए हैं, तो फिर मुकम्मल तौर पर यह समझा जाए कि वजीर आजम से जो 3 मुलाकातें हुई हैं अभी रिसेंटली माजी के अंदर माजी करीब के अंदर, तो फिर वो बेसुध साबित हुई हैं, तो आप हुकूमत से मुकम्मल तौर पर जो है वो लातालुकी का ऐलान कर रहे हैं? देखिए इन मुलाकातों की वजह से ही तारीख में तौसी होती रही और उसको तारीख इसमें और आज भी 30 तारीख कर दिया गया है। लेकिन हमारा मौकफ ये नहीं है कि आप ये 5-5 दिन 10-10 दिन बढ़ाते चले जाए। हम तो ये कहते हैं कि कराची का जो सही मानों में कराची में जो रहने वाले लोग हैं उनको लिया जाए। नादरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ और 67 लाख है वो जो कि कराची के पैदाइशी हैं, जो कराची के मुस्तकिल मकीम हैं, जिसमें से 41% वो लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, वो उसमें शामिल कर दें तो तकरीबन 2 करोड़। और वो जो बैरून सूबा से आकर यहाँ पे जिनका मुस्तकिल पता कराची का नहीं है लेकिन रहते कराची में, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वो जातियाँ हैं, ये वो हमेशा से की जाती रही है इस शहर के साथ जाति। हम तो ये कहते हैं कि देखें कराची में सारी कौमियत के लोग रहते हैं, जो जहाँ रह रहा है, जो वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, जो यहाँ का बिजली इस्तेमाल करता है, पानी इस्तेमाल करता है। ठीक है, मैं आपकी तरफ ही बढ़ूंगा, आपका मौकफ भी बड़ा क्लियरली एमक्यूएम का मौकफ आ गया है। गजाला सैफी साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने कहा है कि मर्दम शुमारी पर उन जमातों से बात नहीं करेंगे जो इख्तदार में है, लेकिन जमात इस्लामी का ऑप्शन भी दिया है और हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ था, तो फिर ये समझ लिया जाए कि जमात इस्लामी आपके ही प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो आगे चलेगी, इसी प्लेटफॉर्म पे आगे मुत्तहिद होने का इरादा है? मेरे बिल्कुल आवाज नहीं समझ में आ रही है, दोबारा रिपीट करते हैं। जी, आपने सवाल मुझसे किया है जी, और मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि जमात इस्लामी मुतहर्रिक रही और उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन किया और हर तरह से पार्टिसिपेशन रहा उनका, और उसके बावजूद जब रिजल्ट आया तो आप देख सकते हैं किस कदर धांधली हुई लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के अंदर। वो हमारे उम्मीदवार जो कि बिल्कुल 100% लोगों के साथ जुड़े हुए थे और जिनकी यानी हकीकतन जो करीब थे आवाम के साथ, उन तक के रिजल्ट को जो है वो मिक्स करके पेश किया गया। और काफ़ी काफ़ी बहुत ही अफसुर्दगी की बात यह है कि कराची जैसा शहर जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक सोने की गठरी है और एक सोने की डली है, उसके बावजूद उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, हर तरह से उसे नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? और उसका एक रीज़न ये भी नज़र आता है कि यहाँ के अवाम ने वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, इसलिए आप थ्रू आउट देखिए कि उनसे बदला लेने की कोशिश। अच्छा गजाला सैफी साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं करूंगा कि मैं प्लीज एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप जो है मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है, कंसर्न जो है वो एक सवाल है कि अगर सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, जरा सा ये बताइएगा, फिर मैं अपना दूसरी सवाल जो है कम्प्लीट कर लूंगा। सुबह का भोला वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। हाँ ठीक है चले, ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अगर एमक्यूएम अगर हुकूमत से अलहदा होती है कराची के शहरियों के मफाद के लिए, तो क्या हुकूमत माजी के अंदर जो आपकी हुकूमत थी एमक्यूएम इत्तेहादी थी, तो फिर से एक इत्तेहाद हो सकता है आप दोनों का? देखिए ये अभी कबलज वक्त है कोई भी रिमार्क देना। ठीक है, क्योंकि माजी में जो हमारा ताल्लुक इनसे टूटा, हमने तो इनसे ताल्लुक नहीं तोड़ा था। अच्छा, ताल्लुक तोड़ा और ये दूसरी जमात, वो भी कराची के मफाद में तोड़ा, वो कहते थे कराची के लिए हमने तोड़ा था मफाद। कराची देखिए, कराची के मसाइल को
उठाने की भी जरूरत है, कराची के अवाम की मदद की भी जरूरत है, कराची को साफ करने की जरूरत है। कराची के अंदर जो इस वक्त स्ट्रीट क्राइम चल रहा है, जैसे आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, वो इंतहाई तकलीफ देह है। लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ पे कमी हुई भी है, सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर है, इसने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर ये दरवाजे बंद नहीं किए तो फिर इसकी तादाद जो है, इसके लोगों की तादाद कम कैसे होती चली जा रही है, क्योंकि दिखाया जा रहा है कि श्रिंक हो गया है, और श्रिंक होने की वजह से फिर इन हमारे शहर को किसी भी तरीके से तरक्की जो है उसके राहों में रुकावटें पैदा की जा रही है। ठीक है, चले मैं अबू बकर की तरफ भी बढ़ूंगा। अबू बकर साहब, हुकूमत से तो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि नाचाकी है, और जो तहफ़ुज़ात थे वो दूर नहीं हो रहे हैं। एमक्यूएम ने कोई स्ट्रेटजी वाज़े क्यों नहीं की है कि माजी के अंदर जो हुकूमत थी उसको भी यही कहकर अलहदगी इख्तियार की थी कि कराची का जो मफाद था, कराची के जो शहरी थे, उनके तहफ़ुज़ात दूर नहीं होते, फिर इस हुकूमत में बैठे, फिर इस हुकूमत में भी ये तहफ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा मसला था आपके एमओयू के अंदर, पहला जो नुकता है वो यही था मर्दमशुमारी। तो एमक्यूएम स्ट्रेटजी वाज़े करें ना कि हम उस हुकूमत का साथ बनेंगे कि जो पहले मफाद पूरे करेगा कराची के शहरियों के। पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं खत्म हुई। बहुत ज्यादा मुझे एक लफ्ज ना आप बात समझ मैं बड़ा माजत हुआ हूँ कि कोई टेक्निकल इशू होगा इसलिए डिस्टॉर्शन है, लेकिन मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ कि एमटीएम कोई स्ट्रेटजी वाजे करे कि उस हुकूमत का साथ तब देंगे जब वो कराची के शहरी को मफाद तो पहले पूरे करें ना। क्या मफाद पूरे करें? हम कर रहे हैं, कराची के मफाद में नहीं है। ये जो सेंसस की बातें हो रही है, ये जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ के शहर को आप 1.5 करोड़ पे रखना चाहते हैं और 1.5 करोड़ आवाम को मिशन पर्सन में डालना चाहते हैं, ये कराची के मफाद में नहीं है। ये अगर हम इस पे स्टैंड ले रहे हैं और हमने स्टैंड ले लिया इसके ऊपर, और इंशाल्लाह ताला कल खालिद मकबूल भाई और दीगर लोग हमारे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से वक्त देंगे, और ये हमारी, मैंने जैसा आपको बताया कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, हमारी सियासत अपनी जगह, मतलब कल फैसला हो जाएगा बिल्कुल। एमएनएसी को 10 बार कुर्बान कर देंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कराची को उसका हक मिले, चाहे वो आबादी के हवाले से हो, चाहे वसाइल के हवाले से हो। ये अब मुमकिन नहीं है इस तरक्याफ्ता दौर में कि सारे, जब आपको एनएफसी अवार्ड देना हो, जब आपको अपने वकास देना हो, तो वो तमाम सियासी जमातें इस शहर को कोई 4 करोड़ कहता है, कोई 3 करोड़ कहता है, और जब बात हो सच्चाई की और उस पर अमली इकदाम उठाने की, तो फिर अपने अपने मफाद नजर आ जाते हैं। आज कराची के अंदर जो ब्लॉक बने हुए हैं, 167 मकानों पे एवरेज आया है, जबकि अंदरों ने सिर्फ 250 ब्लॉक जो मकान जो है ना एक ब्लॉक में डाले गए। हमारे पास एक ऐसा भी है, एक ब्लॉक के अंदर 167 मकान है और हर मकान में एक रिहायशी दिखाया गया है। ठीक है, जुल्म और जाती नाइंसाफी अब काबिले बर्दाश्त नहीं है। अगर आप इसी तरह अपने मुल्क के एक तबके के साथ, शहर के साथ करते रहे, चले तो ठीक है, कोई भी हुकूमत में हो। बहरहाल अबू बकर साहब, मैं व्यूवर्स को भी बता दूं कि मोहम्मद अबू बकर जो है, जब ये एमएनए थे, अब तो खैर इस्तीफा जमा करा दिया है, उस वक्त भी इन्होंने प्रोग्राम में कहा था कि अगर कुछ भी होगा हम फौरी तौर पर फैसला करेंगे, और अब ये फैसला किया गया। गजाला सैफी साहब, एक छोटा सा कॉमेंट चाहूंगा, वक्त इंतहाई कम रह चुका है, मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी जा रही है। कराची की आबादी ये बता दीजिएगा कि कितनी है पीटीआई के मुताबिक, और ये एहतजाजी कैंप का कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे, क्या सोच के कर रहे हैं ये एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं? देखिए, एहतजाज की तो इंतहाई जरूरत है कि जब आप एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को बिल्कुल ढांप दें, कवर कर दें और गायब कर दें, और सेंसस के लिए कहां पे सीरियसनेस दिखाई गई, किन घरों में गए और किन लोगों से। आप देख लीजिए कि जब उन्होंने खुद अपना असेसमेंट करके देना था तो हमेशा जो उनकी लाइन ड्रॉप हो रही थी और एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। फिर जो उन्होंने लोगों को भेजा, मेरे अपने घर में जो आए उन्होंने अपना आईपैड रखे हुए थे और कह रहे थे कि मेरे आईपैड में इस वक्त वो नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं हो बिल्कुल ऐसे ही है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आधे आधे घंटे वो बैठे रहे मेरे पास। ठीक है, फिर उन्होंने बाहर गए, अंदर आए, मगर उन्होंने कोई भी मर्दमशुमारी से रिलेटेड ना सवाल पूछे, ना उन्होंने काउंटिंग की। ठीक है, ये एक बड़ा मसला है गजाला साहब, जरा 10 सेकंड रह गए मेरे पास, बता दीजिए कराची की आबादी पीटीआई समझती है कितनी है? हमारी आबादी कराची वालों की कम से कम
3 करोड़ के करीब है, पौने तीन ठीक करोड़ है तो ठीक है जरूर चले होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो 2017 में थी, और मुसलसल आप बिल्कुल देख लें कि कितने लोग कराची में मुसलसल आते रहते हैं मुख्तलिफ सूबों से, और उनको चले अगर वो यहाँ के डेटा में शामिल नहीं भी हो रहे हैं ठीक है तब भी उनकी आबादी का हिस्सा है, ठीक है यहीं से अनाज खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के वसाइल को इस्तेमाल करते चले हैं, और अगर उसको आधा करके दिखाने की कोशिश की गई तो कराची का तो भट्टा बैठ जाएगा। ठीक है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजाला सैफी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और अबू बकर एमकिम से हमारे साथ मौजूद थे। और वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद बात करेंगे कि 13D के अंदर तिजोरी हाइट्स है, उसके मुकाम पर सीवरेज की लाइन का एक बड़ा मसला था और फिर K21 न्यूज़ की निशानदेही के ऊपर वो मसला हल हुआ है कि नहीं, वो भी आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसिस क्या है, रिजल्ट क्या है, एक ब्रेक के बाद।